हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंवले का मुरब्बा बनाने की सामग्री है 500 ग्राम हमने आंवला लिया हुआ है। सबसे पहले हम आंवले को पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद में हम पानी में डालकर पूरी रात छोड़ देंगे। दूसरे दिन पानी से निकालकर सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। जितना आंवला है उतनी ही हमने चीनी ली है। 500 ग्राम चीनी है, पानी, एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम आंवले को कांटे से छेद करेंगे। छेद करते वक्त आप कोशिश करें कि कांटा पूरे भीतर तक जाए। सारे आंवलों में हमने छेद कर लिया है। अब हम इसे गर्म पानी में उबालेंगे। आंवले को उबालने के लिए हमने कढ़ाई में 4 ग्लास पानी गर्म कर लिया है। पानी में उबाल आ गया है, आंवले को हम पानी में डाल देंगे। आंवले को हमने पानी में डाल दिया है, अब हम कवर करेंगे और 5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद करेंगे। आंवले को प्लेट में निकाल लेंगे। आंवले को हमने पानी से अलग कर लिया है। अब हम फिर से आंवले को कढ़ाई में डाल देंगे। गरम आंवले में ही हम चीनी डालेंगे। और धीमी आंच पर हम ढककर पकाएंगे। आंवले के मुरब्बे को बनाने में कम से कम 1 घंटे लगेंगे। कवर हटाएंगे। देखिए, चीनी पिघलने लगी है। हर 2-3 मिनट के बीच में हम आंवले को चलाते रहेंगे। कवर हटाएंगे। देखिए, चीनी पूरी तरह से पिघल गई है और इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। पूरे 30 मिनट हो गए हैं। कवर हटाकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं आंवले का कलर चेंज होने लगा है। फिर से कवर करेंगे और 30 मिनट पकाएंगे। फिर से चेक करेंगे। आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है। अब हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। मिला लेंगे। गैस को बंद करेंगे और इसी तरह से हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। मुरब्बा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, बाउल में निकाल लेंगे। आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। आंवले के मुरब्बे को 2 से 3 दिन बाद खाएं। इसी तरह से आप भी आंवले का मुरब्बा बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।